क्या इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में किंग कॉन्ग आ चुका है? तो फिर इसका सीक्रेट कोड क्या है? तो आज हम लोग यही चीजें देखने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आज की वीडियो में इन मिथ्स को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये है कि न्यू थार के ऊपर बोट को स्पॉन करो फिर मैजिक होगा। तो न्यू थार का चीट कोड है 9191, ये बिल्कुल ही न्यू वाली है, और बोट का चीट कोड है 3001। तो ये एक के ऊपर एक स्पॉन हो जाती है, और इतने अच्छे से स्पॉन हो जाती है भाई कि बोर्ड पूरा इसके ऊपर ही बैठ गई है। अब ऐसा लग रहा है जैसे रियल लाइफ में हम लोग कार के ऊपर बोर्ड को लेकर जाते हैं ना कोई, वैसे इसमें भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो छोटी बोर्ड्स रहती है। ये बोर्ड तो यार वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये चल नहीं सकती ऊपर से। इस बार मैं ऐसा बैठूंगा कि हम लोग सिर्फ थार पे बैठे, और फिर मैं इसको आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। तो बैठ चुका हूं मैं, थार पे बैठा हूं सिर्फ गाइस, ठीक है। आगे तो बड़ी नहीं रही गाड़ी, ओके बढ़ गई। बोट हमारी गाड़ी के ऊपर ही रखी गाइस। और एक और चीज़ देखो, हमारा जो कैमरा एंगल है ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, हमारा कैमरा यहीं पर रुक चुका है और बिल्कुल दूर से चीज़ें दिख रही है, लेकिन बोट जैसे गिरी हमारा कैमरा एंगल भी चेंज हो चुका है पूरा। लेकिन यार अगर बोट को हम अकेले स्पॉन करते हैं तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन गाड़ी के सामने ये कितनी ज़्यादा बड़ी लग रही है। तो इसका असली साइज हमें तब मालूम चलेगा जब हम इसे ट्रक विद ट्रेलर के अंदर स्पॉन करेंगे। ट्रक विद ट्रेलर के अंदर तो हर गाड़ी छोटी लगती है, तो बोट का साइज देखते। यार बोट ने तो पूरा ही कवर कर लिया, इसको पूरा बोट ने कवर कर लिया गाइस, इतनी बड़ी है हमारी बोट। बल्कि थोड़ा सा पार्ट इसके देखो आगे भी आ रहा है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और पीछे स्पॉन करता ना तो पूरी ट्रेलर जितनी लंबी हो जाती है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि बोट को हाई स्पीड में टर्न करेंगे तो बोट उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ पानी की तरफ, और पानी में हम लोग अब बोट को चलाने वाले हैं, और फुल स्पीड में चलाऊंगा मैं, उसके बाद हम लोग लेफ्ट या राइट टर्न करके देख लेंगे। तो हमारी बोट आ चुकी है फुल स्पीड में, अब मैं इसको लेफ्ट टर्न करता हूँ, और जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न करी पूरी की पूरी बोट हमारी पलट चुकी है और ये उल्टी हो गई। भाई उल्टी में चलती है क्या? नहीं, उल्टी में पता नहीं, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, उल्टी में चल रही है, हल्की सी चल रही है, लेकिन शायद वो रुक चुकी है अब एक जगह पे, अब ये आगे नहीं बढ़ रही गाइस। लेकिन भाई उल्टी बोट भी बिल्कुल बोट जैसी लग रही है, और कुछ अलग टाइप की ही बोट लग रही है। और हम आ चुके हैं पानी के अंदर, लेकिन अच्छा है कि हमारी हेल्थ जा नहीं रही है, अरे यार नीचे गिर गया। तो गाइस ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम बोट को पानी के अंदर ब्लास्ट करेंगे तो बोट पानी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो बोट मंगा ली है मैंने, अब बोट को मैं RPG से ब्लास्ट करता हूँ, और ये देखो आप कि ये जो बोट है जैसे ही फटती है तो फिर ये पानी के अंदर चली जाती है। भाई तो ये बिल्कुल रियल जैसा काम कर रहा है, क्योंकि बोट के अंदर पानी भरा गया है, वो तो वैसे भी भरा ही रहा है, लेकिन वो तब अंदर नहीं जा रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको RPG से ब्लास्ट कर देते हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा कि पूरी की पूरी बोट पानी के अंदर जा चुकी है। अब मैं आपको तैर के दिखा देता, लेकिन मेरा बंदा यार अंडर वाटर स्विमिंग करता नहीं है, लेकिन आपको दिख ही रहा होगा। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि जॉम्बी मोड चैलेंज लगने के बाद भी पुलिस स्टेशन में रहती है। तो मैंने अभी जॉम्बी मोड लगाया गाइस, अब जेट पैक से मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये जॉम्बी मोड ही है। ये सड़कों पे आप देख सकते हो कोई भी नहीं है, और जॉम्बी मोड के लिए आप एयरपोर्ट में देखना, ये देखो बहुत सारे जॉम्बी स्पॉन हो गए जो कि इसी मोड में होते हैं। अब हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ। पुलिस स्टेशन के बाहर हाँ अब मुझे दो गार्ड दिखाई दे रहे हैं, अंदर देखते हैं और कौन कौन है। अंदर मुझे NPC भी दिखाई दे रहे हैं, तीन पुलिस वाले भी बैठे हैं, भाई सबके सब बैठे हैं ये लोग। अब ये देखते हैं कि मैं इनको अगर मारता हूँ तो क्या होता है। तो पहले मैंने इन तीनों को एक साथ ही उड़ा दिया गलती से, कोई बात नहीं अभी किसी और को मार के देखते हैं। यार पुलिस स्टार आ चुका है मेरे पे, तीन के तीन स्टार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो ये पुलिस वाले अटैक करते हैं नॉर्मल मोड में, लेकिन जॉम्बी मोड में अगर हम लोग किसी को भी मारते हैं तो देखो पुलिस वाले अटैक ही नहीं करते हैं। ये सही है यार, फिर खुले में किसी को भी मारो कोई कुछ करने वाला ही नहीं यार। और कितना मजा आता है ना, जो अपन को नहीं मारा उसको मारने में बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके। अब मैं बाहर वालों को भी मारता हूँ, बाहर वाले का रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, ये मारा, देखो छाती में पूरी गोली मार रहा हूँ, लेकिन भाई को फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, और ये मर क्यों नहीं रहा। चलो ये तो गया, अब इसकी बारी। इसको मैं नॉर्मल तरीके से नहीं मारूंगा, इसको मैं ना स्टिकी बॉम्ब से मारूंगा, देखते हैं स्टिकी बॉम्ब से भगता है कि नहीं। भाई इसको यार फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसके ऊपर स्टिकी बॉम्ब लग रहे हैं, ये फटने वाला है, कोई चिंता ही नहीं है। और पता नहीं कहाँ निकल लिया फटके, कहाँ चला गया यार, दीवार, अरे ये पड़ा है क्या? हाँ ये पड़ा, ये क्या हुआ इसको यार, ये तो फोल्ड हो गया पूरा, ये क्या हुआ, इसकी मुंडी अलग पड़ी है और इसकी बॉडी अलग पड़ी, गाइस ये क्या हो रहा है यार, खतरनाक फोल्ड हो चुका है ये तो, बिल्कुल तगड़ा ही वाला। तो ये मिथ कंफर्म्ड है।
हमारा अगला मिथ ये है कि स्विमिंग पूल में डॉग को स्पॉन करो, फिर स्विमिंग पूल से निकलते ही एंटर करेंगे तो आपका कैरेक्टर डॉग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डॉग को स्पॉन कर दिया है स्विमिंग पूल में, हमें बाहर निकलते हुए डॉग में एंटर का ऑप्शन दबाना है, तो इसको थोड़ा सा पास रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब मैं निकलता हूँ इसके बाहर और यहाँ पे एंटर दबाता हूँ और ये हो गया कंप्लीट। हम लोग चले गए पानी के अंदर और मैं सच में डॉग बन चुका हूँ। मैं अब आगे चल रहा हूँ तो डॉग ही आगे चल रहा है, और अगर मैं फर्स्ट पर्सन करूँ तो मेरे को डॉग का ही व्यू दिख रहा है और मेरे को एग्जिट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो समझ रहे हो, अगर मैं स्विमिंग पूल के बाहर होता तो मैं एज अ डॉग ही होता, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे, जो इंसान वाले काम होते। गाइस डॉग बन चुका हूँ, बस यार स्विमिंग पूल के बाहर नहीं आ पा रहा यार मैं, वरना मजे आ जाते, लेकिन हम लोग हैं तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि पुलिस स्टेशन के पुलिस को स्टिकी बम से मारो तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसे कोई कुछ बोलता है क्या? कोई बोल सकता है क्या? ठीक है, तो पहले मैं इस पे स्टिकी बम मार देता हूँ, है ना, और आपको दिखाता हूँ कि बाहर वाले गार्ड हम पे अटैक करते हैं कि नहीं। अच्छा दो चले गए गलती से, लेकिन देखो किसी ने भी अटैक किया नहीं। यही आप गन से मारोगे ना किसी को भी, तो फिर बाहर वाले और अंदर वाला पुलिस वाला भी आप पर अटैक करने लग जाएगा। एक बार आरपीजी से भी चेक कर लेते, ये भी जरूरी है। आरपीजी से चेक किया मैंने, ये लोग हिलने लगे और मारने लग गए। वायर आरपीजी से भी अब ये लोग ऑफेंड होने लग गए क्या? कोई बात नहीं, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अपडेट के बाद हाउस में लैंप जलता है। ठीक है, तो मैं हूँ यहाँ पे अपने घर पे, और हमारे घर में आपने देखे होंगे कि दो लैंप रखे हैं। अब हम लोग करते हैं नाइट मोड। वैसे लैंप तो यार जलते थे नहीं पहले, अपडेट आ चुका है तो नाइट मोड करते हैं 9 से, और ये लैंप सच में जल रहे हैं। मैंने तो भाई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये दोनों लैंप जलेंगे। ये कैसे हो चुका है? ये रियल है कि मेरे को सपना आ रहा है? भाई ये लैंप जल रहे हैं लेकिन घर की लाइट नहीं जल रही है, ये सोचो आप। और रेड में से रेड लाइट निकल रही है, ब्लू में से ब्लू लाइट निकल रही है, और वो तो छोड़ो, इस कमरे में एक छोटा सा लैंप है ये तक जल रहा है। भाई ऊपर भी कोई लैंप है क्या? वैसे ऊपर कोई लैंप नहीं था, हमारे पुराने घर में था। यार पुराने घर में आओ जल्दी, यहाँ पे देखते हैं। इधर मेरा एक लैंप था ना, हाँ ये रहा, ये नहीं जल रहा। ठीक है, पुराने घर को कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पुराने घर में लैंप जो है वो नहीं जल रहा है, ऑफ ही पड़ा है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि न्यू अपडेट में जो पुलिस स्टेशन में पुलिस है उनको अगर हम गन से मारते हैं तो स्टार नहीं लगता। यार स्टार का तो हमने इसी वीडियो में देख लिया है, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि क्या इनको मारने से बाहर की पुलिस हमें मारती है कि नहीं, तो वो भी अभी चेक हो जाएगा। मैं इन्फिनाइट हेल्थ लगा के रखता हूँ यहाँ पे, और मैं यूआई भी एक काम करता हूँ ऑन कर देता हूँ। अरे ये क्या हुआ भाई, मैंने इन्फिनाइट हेल्थ लगाई थी ना, इनने मार कैसे दिया मुझे? यार इन्फिनाइट हेल्थ के बाद भी मार दे रहे हैं क्या ये पुलिस वाले? ऐसा भी होता है क्या? एक बार फिर से देखते हैं। मैंने इन्फिनाइट हेल्थ देखो इस बार आपके सामने लगाई है गाइस, वापस से मैंने एक बंदे को मारा। अब देखते हैं कि क्या मेरी हेल्थ जाती है क्या। यार जा तो रही है, सच में जा रही है। ये कैसे यार, बाहर के पुलिस वाले मारते हैं तो हमारी हेल्थ तो नहीं जाती, लेकिन अंदर के पुलिस वाले मार रहे हैं ना, तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारी हेल्थ जा रही है। इसकी गोलियों से नहीं जा रही शायद, इसकी गोली से मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुक्के से तो भाई पक्के में जा रही थी। वो तो अच्छा मैंने उन लोग को मार दिया। और मुझे ये देखना था कि स्टार तो देखो लग चुके हैं, वो हमें समझ में आ गया। बाहर की पुलिस भी आ रही है, मुझे पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक पुलिस वाला ऊपर भी है। अच्छा अब ये लोग ऊपर भी आने लगे क्या? ठीक है भाई रुक जाओ, इसको गोली मार के उड़ाते। ये फिर से फोल्ड हो गया, ये क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले फोल्ड कैसे हो जा रहे हैं? इनको मारो तो, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, पूरा घूम फिर के पता नहीं कपड़े की तरह बन गया ये। पुलिस वाले आ गए क्या? नीचे देख लेते। तो ये देखो गाइस बाहर के पुलिस वाले भी आ जाते अगर आप अंदर के पुलिस वालों को मारते हो तो। स्टार तो आप पे लग ही चुका है, तो ये मिथ बस्टेड है। और हमारा फाइनल मिथ आज का ये है कि आरजीएस टूल में किंग कॉन्ग लिखो फिर देखो मैजिक। तो गाइस न्यू अपडेट आ चुका है, तो हम लोग देखते हैं क्या आरजीएस टूल में किंग कॉन्ग भी आ चुका है। तो इसलिए मैं आप लोग के सामने ही लाइव आरजीएस टूल में किंग कॉन्ग लिखने जा रहा हूं और टिक लगाता हूं, तो आप देख सकते हो कि अभी किंग कॉन्ग नहीं आएगा इस, तो ये मिथ बस्टेड है। लेकिन अगर आपको सच में किंग कॉन्ग चाहिए इस गेम में, तो भाई कमेंट सेक्शन में बहुत सारे किंग कॉन्ग लिख दो, ताकि नेक्स्ट अपडेट में किंग कॉन्ग इस गेम में आ सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी मजेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।